एक शेर पढ़ता हूँ और जनाबे अशफाक बहराइची को आपको दे रहा हूँ। एक ऐसा लहजा झूमने का अंदाज, आवाज सुनेंगे इंशाल्लाह मखमली आवाज, आपके रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पे कैसे अटैक किया जाता है, ये हुनर अशफाक बहराइची को मालूम है। लेकिन उसके लिए आपको बेदार होना पड़ेगा। एक शेर सुने भाई साहब, शेर सुन लीजिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए। मैं शेर पढ़ रहा हूं, देखे बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। बातिलों के वास्ते तलवार होना चाहिए, अरे बच्चा बच्चा कौम का सालार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बाप दादा की कमाई पर न इतराना कभी, कौम के हर फर्द को खुददार होना चाहिए। बेसबब साहिल पे बैठे रो रहे हो क्यों शफीक, अब तलक तुमको समंदर पार होना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों, मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाबे अशफाक बहराइची से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। जनाबे अशफाक बहराइची से गुजारिश है कि जहाँ आप बैठे हैं वो जगह आपकी नहीं, ये जगह आपकी है। मेंबरे रसूल पर जलवा बार, जुमला उलमा इकराम, शोराए इज़ाम, सामईन बज़्म, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज के इस खूबसूरत ऑल इंडिया नातिया मुशायरा एक शाम मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के नाम में मेरी शिरकत हुई। मैं शुक्रगुजार हूं बड़े भाई जनाब हाफिज मोहम्मद शाहिद साहब का और बड़े भाई नकीब हिंदुस्तान हाफिज अशार मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का, जिन्होंने आप जैसे सच्चे सामईन से मेरी मुलाकात कराई। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जिलों में अल्हम्दुलिल्लाह नातिया प्रोग्राम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन यकीनन जिस तरह से आपने सुना है अभी तक तमाम शोरा इकराम को, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक बार आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप अपने नाम पर एक बार कह दें सुभान अल्लाह। सिर्फ दो चार लोग बोले हैं लेकिन इंशाल्लाह बोलेंगे। एक ऐसा मतला पढ़ने जा रहा हूँ, चार मिसरे से पहले मैं हाजिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो अपने घर से अपने माँ की दुआएं लेकर के आए हैं वो इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। आइए उससे पहले हम और आप मिलकर एक बार आका की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु वतरज़ा कमा तुहिब्बु वतरज़ा। उलमा इकराम से दुआएं चाहूंगा, अता करें भाई नवाज़िश, थोड़ी सी मोहब्बत आप दे दें। हाजिर करता हूँ चार मिसरे मुलायजा फरमाएं। अशफाक भाई, मैं जनाबे शाहिद भाई से गुजारिश करूंगा कि जनाबे दिल खैराबादी मुजम्मिल हयात साहब को लेकर जल्द आया जाए। हाँ वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, मैं हाजिर करता हूँ, मुलायजा करें चार मिसरे। किसी ने सुने और सर धुने, सीने 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 में अपने नूरे खुदा ले के आया हूँ, सीने में अपने नूरे खुदा ले के आया हूँ। दाले के आया हूँ, सीने में अपने नूरे खुदा ले के आया हूँ, अल्लाह के नबी के दाले के आया हूँ। हट जाओ ऐ बला
ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا ہوں, دعا لے کے آیا ہوں, دعا لے کے آیا ہوں. بہت شکریہ. یہ ہے اشفاق بہرائچی, اتر پردیش, یو پی. واہ بھائی اشفاق صاحب, آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہو, دنیاوی ساری اے ٹی ایم بند ہے لیکن مدنی نیٹ ورک یہاں کام کر رہا ہے. جی جی جی, بہت خوبصورت. اسی لیے میں نے پہلے تعریف کی ہے ان تمام سامعین کی کہ یقیناً پورے ملک ہندوستان میں ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں, لیکن جو ماحول آج کی شام آپ کے نام دیکھا یقیناً کم جگہوں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. میں حاضر کرتا ہوں چار مصرے یہاں سے اور حاضر کرتا ہوں ماں کے حوالے سے. حدیث پاک کا مفہوم ہے انشاءاللہ, علماء کرام کی مجھے ضرور دعائیں ملیں گی, اور آپ کو اگر سمجھ میں آئے تو آپ بھی بولیے گا. حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں کہ میری ان آنکھوں کو, میری ان آنکھوں کو, میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا, میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا, مجھے بھی ہو بے رسالت مآب دے دینا, مجھے بھی ہو بے او فراج میں نے, فراج میں نے, فراج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے, فراج میں خدا مجھے, میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا. واہ بھائی واہ, زندہ باد. میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے دینا, دیکھے اشفاق بھائی. بہت شکریہ, زندہ باد. میں حاضر کرتا ہوں دوستو دوبارہ, حاضر کرتا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ بڑے بھائی آفاق صاحب عرف چاند بھائی. ہم لوگوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ بتا نہیں سکتا. ہاں اشفاق بھائی بھی آ گئے ماشاء اللہ, اشفاق بھائی اور اشتیاق بھائی جو شروع میں شعر پڑھ رہے تھے. تمام لوگوں کی دعائیں چاہوں گا. اور دوستو یہاں سے ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں, مجاہد بھائی پسندیدہ مطلب ہے, بس آپ دعائیں دے دیجیے گا مجھے, میں حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. بہت خوبصورت مطلب ہے بڑے بھائی تابش ریحان صاحب, بڑے بھائی اسد بستوی صاحب, جن کو آپ نے ڈھیر ساری محبتیں دے کر کے روانہ کیا. اور دوستو چھوٹا بھائی میرا, کیا نام, محمد کیف سلم. اتنا خوبصورت, پہلی بار کئی پروگرام میں ملاقات ہوئی ہے, لیکن مجاہد بھائی یہ آپ کے نام کی برکت ہے, اتنا خوبصورت پہلی بار میں نے ان کو سنائے پڑھتے ہوئے, الحمدللہ. میں مطلع حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. کہ میرا نعت لکھنا, دوستو یہ شعر سنیں, یہ مطلع سنیے, حاضر کرتا ہوں, دیکھیے گا علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا. کہ میرا نعت لکھنا, میرا نعت لکھنا, لکھنا میرا نعت لکھنا, میرا نعت لکھنا. دوستو ہندوستان کے بہت ہی معروف مشہور دو شاعر جناب مزمل حیات صاحب سیتامڑھی اور بڑے بھائی جناب دل خیر آبادی صاحب, دونوں تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ بھی آپ حضرات کا کلام یہ کے بعد دیگرے سنیں گے. میں حاضر کرتا ہوں مجاہد بھائی, مزمل بھائی حاضر کرتا ہوں, مطلع دیکھیے گا. کہ میرا نعت لکھنا, لکھنا میرا نعت لکھنا, بھیکار مانگ گیا ہے میرا نعت پڑھے نا, بھیکار مانگ گیا ہے میرا نعت لکھنا, بھی
मेरे चूमते हैं फरिश्ते ज़बान पर मोहम्मद को मेरे चूमते हैं चूमते हैं फरिश्ते ज़बान पर मोहम्मद का नाम आ गया है मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना। और दोस्तों मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब के वालिद मोहतरम हजरत मौलाना हसनैन साहब कासमी दामद दरगाह हूँ और मेरे बड़े भाई पटना से तशरीफ लाए जनाब हाफिज मोहम्मद इसहाक साहब दामद दरगाह हूँ। बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं इनकी दुआएं चाहते हुए एक शेर नाते पाक का हाजिर करता हूँ। बतौर खास असद भाई देखिएगा मेरी आरजू मेरी तमन्ना है अगर आप तमाम लोगों की आरजू मेरी आरजू से टकरा जाए तो सुभान अल्लाह कहिएगा। हाजिर करता हूँ मुलायदा करें मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना के तमन्ना है महेशर तमन्ना है महेशर में आका से मेरे मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो तमन्ना है महेशर महेशर तमन्ना है महेशर मुझे देख कर सबसे फरमाए आका के वो देख मेरा गुलाम आ गया वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। क्या प्यारी तमन्ना है भाई जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बात फिर पढ़ दो भाई फिर पढ़ दो आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ दोबारा हाजिर करता हूँ मुलायदा करें कि मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना कि तमन्ना है महेश मुझे देख कर सबसे फरमाए आका के वो देख मेरा गुलाम आ गया है तमन्ना है महेश मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना भी काम आ गया है मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों जिंदाबाद जिंदाबाद। एक नाते पाक के चंद शेर मुजाहिद भाई और हाजिर करता हूँ। भाई मदीना कितने लोग जाना चाहते हैं एक बार हाथ उठाकर मुझे बता दें। अरे माशाल्लाह सभी मदीना जाना चाहते हैं एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। मतला हाजिर करता हूँ अगर पसंद आए तो मोहब्बतों से नवाजिएगा। हाजिर करता हूँ मुलायदा करें कि मेरे खुदा जनाबे दिल खैराबादी साहब की आमद आमद हो चुकी है मेरे खुदा
करता हूँ दिल भाई, हाजिर करता हूँ मुलायदा, अगर एक बार जनाबे दिल खैराबादी के नाम पर कह दें सुभान अल्लाह। देखिए माशाल्लाह, हाजिर करता हूँ दिल भाई, मतला हाजिर करता हूँ, मुलायदा करें कि मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों के जिंदगी के लिए मेरे खुदा। दोस्तों यकीन मानिए, नाते पाक के शेर को जब थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता है, हालात हाजरा के शेर आ जाते हैं, तो नाते पाक के शेर पर लोग दाद कम देते हैं वैसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी समातों को मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक आप तमाम लोग हैं। शाहिद भाई मैं हाजिर करता हूँ, मतला देखें कि मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों के जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों के जिंदगी के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों के जिंदगी के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस खड़े के लिए मुझे दिखा दे मदीना बस के घड़े के लिए मेरे खुदा मेरी आँखों के जिंदगी के लिए। और दोस्तों ये शेर मैं हाजिर करता हूँ इस नाते पाक का सबसे खूबसूरत सा शेर, अच्छा करे भाई आदेश। हे मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरी आँखों के जिंदगी के लिए और रसूल पाक से जा कर सबाए कह देना। देखिएगा कि रसूल पाक से जा कर सबा ये कह देना कहना रसूल पाक से जा कर सबा ये कह देना कि मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना है ये दवा मैं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है मेरा जल रहा है सीना है ये दवा मैं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। नहीं मालो सर तो क्या गम नहीं मालो सर तो क्या गम मैं गरीब हूँ यही ना है नहीं मालो सर तो क्या गम मैं गरीब हूँ यही ना मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना तू ही जाने बे मदीना तू ही जाने बे मदीना रसूल पाक से जा करे सबा ये कहे देना रसूल पाक से जा करे सबा ये कहे देना मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। वाह भाई वाह मैं बेकरार हूँ हाजिरी के लिए आका मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। और दोस्तों आपकी अच्छे समातों के हवाले एक शेर मैं कुरान मुकद्दस के हवाले से पढ़ता हूँ। बहुत सारे हुफादे किराम मुझे नजर आ रहे हैं, मैं हाजिर करता हूँ एक शेर और माए किराम की जानिब से भी हाजिर करता हूँ। मुलायजा फरमाए कि रसूल पाक कैसे जा करे सबा ये कह देना मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए और अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर है ये। देखिएगा उलमाए कराम कि अंधेरे टिके नहीं सकते कि ऐसा नूर
नादान नबी का जो नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते हैं, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, नादान नबी का जो फरमान नहीं पढ़ते हैं, अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं, सरकार की आंखों की सरकार के आंखों की ठंडक है नमाजों में, क्या आप ये सीरत का उनवान नहीं पढ़ते हैं, उनवान नहीं पढ़ते हैं, उनवान नहीं पढ़ते क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माले का सिलसिला दें, ये माल का सिलसिला आने दीजिए, माले का बंद कर दीजिए। हाँ जी जी जी, इसीलिए एक एक शाम मुजाहिद हसनैन हबीबी के नाम हो रही है, हो रहा है आजकल इंडिया नातिया मुशायरा। मैं एक शेर और हाजिर करता हूँ इस नाते पाक का, एक मेरी आरज़ू और तमन्ना और है, आप हजरात की दुआएं मिले इस शेर पर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। एक बार पूरा मजमा मचल के कह दे सुभान अल्लाह, हाजिर करता हूँ मुजाहिद भाई देखिएगा। के रसूल पाक से जा करे सबा सबा ये कह देना, मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए, कि ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की। सदरे मुशायरा की दुआएं चाहूंगा देखिएगा, कि ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, इलाहे चाहे सारा घर, इलाहे चाहे सारा घर मेरा नीलाम हो जाए, मगर आका के दर पे जिंदगी की शाम हो जाए, जिन्होंने इश्क़े अहमद इस तरह कुछ दिल में हो पैदा, नबी के चाहने वालों में मेरा नाम हो जाए, ना जुस्त जो ये दौलत ना शौके दिल हसीना, ना जुस्त जो ये दौलत ना शौके दिल हसीना, बस फिक्र है ये मुझको कब देखूं मैं मदीना, कब देखूं मैं मदीना, ना मालो दौलत दे रब, ना मालो दौलत दे रब, ना सोने का खजीना, एक बूंद मुझको दे दे बस आका का पसीना, बस आका का पसीना, बस आका का पसीना, मेरी सांसें भी तो ले ले मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी सांसें भी तो ले ले मेरा मुश्किल कर दे जीना, मेरी किस्मत में तो लिख दे बस आबे जमजम पीना, बस आबे जमजम पीना, बस आबे जमजम पीना, ये आरज़ू है मदीने पहुँच के रोज़े की, लगाऊं खाक मैं आँखों में रोशनी के लिए, लगाऊं जिंदाबाद जिंदाबाद के लिए, नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर, नारे तकबीर शायर इस्लाम जिंदाबाद, शायर इस्लाम जिंदाबाद। बहुत वाह, सिलेक्शन गजब का है आपका, वाह सनैन भाई वाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं हाजिर करता हूँ इस बंद को, दोबारा पढ़ दूं पढ़ दूं, मैं हाजिर करता हूं, हाजिर करता हूं मुलायदा करें, मैं तो इसी पे खत्म करने वाला था लेकिन अब अरे मैं हाजिर करता हूं, हाजिर करता हूं।
अब 12 बजे के बाद रसूल पाक से जा करे सबा सबा ये कह देना क्या? मैं बेकरार हूँ तैबा की हाजिरी के लिए। मुजाहिद भाई अगर आपका हुक्म हो तो मैं मनकबत एक पढ़ देता हूँ। बिल्कुल शोदाए करबला के हवाले से गुजारिश करूंगा हुक्म नहीं। हाँ मैं हाजिर करता हूँ, एक मनकबत में पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सारे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, मैं वो हाजिर सुनना चाहते हैं आप लोग। अगर आप थक जाए तो मैं बैठ जाऊंगा, यकीन मानिए। मैं हाजिर करता हूँ, मुलायदा करें। लेकिन थोड़ी सी गुजारिश आप तमामी हजरात से है कि आप मेरे साथ आसान कहाँ है कहेंगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आसान कहाँ है देखिएगा। आसान भाई हो सकता है। हाजिर करता हूँ, मुलायदा करें। अता करें कि मर्जी पे खुदा, मर्जी पे खुदा, मर्जी पे खुदा, वंद की सर अपना कटाना। देखिएगा मर्जी पे खुदा, वंद के सर अपना कटाना, मर्जी पे खुदा, वंद के सर अपना कटाना। आसान कहा है मर्जी पे खुदा, वंद के सर अपना कटाना। आसान कहा गए उम्मत के लिए, उम्मत के लिए, उम्मत के लिए अपना ही घर बार लुटाना। आसान कहा गए, आसान कहा गए। पहला बंद मुजाहिद भाई जिंदाबाद, पहला बंद हाजिर करता हूँ। देखेगा के तीन रसूल रसूले पाक को चमका गए हुसैन, तीन है रसूले पाक को चमका गए हुसैन। कहते हैं किसको सब्र ये बदला गए हुसैन, कहते हैं किसको सब्र ये बदला गए हुसैन। अरे अपने ही जवां, अपने ही बेटे की मैयत को उठाना। आसान कहा गए, आसान कहा गए, अपने ही जवान बेटे की मैयत को उठाना। आसान कहा गए, आसान कहा गए। इस कलाम का बहुत खूबसूरत सा हाजिर करता हूँ। उलमाए इकराम की दुआएं चाहूंगा और नवाज़िश सीधी दुआएं मांगता हूँ, हाजिर करता हूँ। शाहिद भाई देखिएगा, मुलायदा करें। एक बंद बहुत प्यारा बंद, इस कलाम का मुझे सबसे प्यारा बंद लगता है। देखिएगा इश्तियाक भाई, अता करे भाई, कितने हाथ मगर तन हाथ मगर जंग में बातिल पे छा गए, छा गए वादा जो किया नाना से करके दिखा गए, वादा जो किया नाना से करके दिखा गए। अरे बचपन में किए, बचपन में किए वादे को करबल में निभाना। आसान कहा गए, आसान कहा गए, बचपन देखो कर मैं निभाना। आसान कहा गए, आसान कहा गए। आखिरी बंद पढ़ के मैं इंशाल्लाह अपनी जगह लूंगा। बहुत ही खूबसूरत सा बंद है ये भी, मुलायदा फरमा ले मोहब्बतों के साथ। के इब्ने अली, इब्ने अली पे शिमर ने ऐसा सितम किया, सितम किया वक्त नमाज हल्क पे खंजर चला दिया, वक्त नमाज हल्क पे खंजर चला दिया। इस हाल में फिसर को ना सजदे से उठाना। आसान
शान कहाँ है इस नाले में बिसर। अच्छा अच्छा हाजिर करता हूँ, हाजिर करता हूँ भाई, इंशाल्लाह पढ़ूंगा। उम्मत के लिए अपने ही घर बाहर लुटाना आसान कहाँ है, आसान कहाँ है, मर्जी पे खुदा देख सर अपना कटाना आसान कहाँ है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को। पैसा ऐसे लुटाना आसान कहा जी, जी जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, भाई का हुक्म हुआ है, इसमें जो दो बंद और है वो पढ़ दीजिए। अब इतनी मोहब्बतें दी हैं तो मैं कर्जदार नहीं रखना चाहता, मैं पढ़ देता हूँ। मुजाहिद भाई हाजिर करता हूँ। हे मर्जी पे खुदा बंद के सर अपना कटाना। आप लोग खामोश हो गए, कसम खुदा की। इस कलाम को अगर थोड़ा सा मोहब्बतों के साथ थोड़ा आवाज अपनी खोल कर आप सुनते तो और बेहतर लगता मुझे पढ़ने में। हाजिर करता हूँ, लेकिन देखेगा उलमाए कराम मुझे दुआएं दे रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। फरमाएं फरमाए कि उम्मत के लिए, उम्मत के लिए अपने ही घर बाहर लुटाना आसान कहाँ है, कैसे हो हुसैन की, कैसे हो गया हमसे फजीलत हुसैन की, फूला फला है दीन बदौलत हुसैन की, फूला फला है दीन बदौलत हुसैन की, नज़े की बुलंदी पे भी कुरान सुनाना आसान अपने ही जवान बेटे की मैयत को उठाना। उम्मत के लिए अपने ही घर बार लुटाना, मर्जी पे खुदा बंद के सर अपना कटाना। बचपन में किए वादे को करबल में निभाना आसान कहाँ है। अजब मुश्किल कुशाई हो रही है, हर एक गम से रिहाई हो रही है। नबी के नाद शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। नबी के नाद शायर पढ़ रहा है, कमाई पर कमाई हो रही है। दो आलम में नबी के दुश्मनों की धुलाई पर धुलाई हो रही है।